चैप्टर को, और हम मंडे को जब मिलेंगे, सैटरडे को हमारी क्लास जो है वो इंशाल्लाह ऑनलाइन होगी, सैटरडे को क्लास होगी, फ्राइडे को क्लास नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग तमाम जो है वो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पेपर भी आने वाले हैं, और ये टाइम सिर्फ मैं आपके लिए, क्योंकि आपका इसमें बेनिफिट इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं एज ए उस्ताद आपके साथ इसलिए मौजूद हूँ कि मुझे भी फिक्र है आपकी, अदरवाइज ये फिक्र आपको होनी चाहिए कि सर फ्राइडे को टाइम बड़ा शॉर्ट होगा, जुम्मे की ब्रेक है, प्रेयर है, हम शायद नहीं, ना मैं टाइम दे पाऊँ आपको, क्योंकि मेरी अगली क्लास साथ में कनेक्टेड है, तो मैं आप लोगों को, ओ लेवल के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं मेरे साथ वो कनेक्ट होंगे 1 बजे से 3 बजे के दरमियान सैटरडे को। फ्राइडे को हम ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, अनऑफिशियल, मैं आपको अपने तई ही हम सेट कर रहे हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग से, इससे कॉलेज का लेने देना कोई नहीं है, ठीक है, मैं उनको अनऑफिशियली बता भी दूंगा। हम 1 से लेके 3 बजे तक क्लास किया करेंगे, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, और रमजान रमजान, सिर्फ रमजान में, फ्राइडे की क्लास में टाइम बड़ा कम होगा में इंशाल्लाह, उम्मीद है। कल अगर रोजा नहीं भी है तो कल छुट्टी है, कल तो वैसे नहीं आ पाएंगे हम लोग, दो ठीक है। घंटे वही देखो, आप अगर मुझे कहोगे 4 घंटे आपके साथ मैं मौजूद हूँ, मैं रहूंगा, क्यों लेकिन आपने नहीं रहना। और ये फोन तो उसका यार जो बच्चा, जो स्टूडेंट है सामने नहीं बाज आता, मैं आपको नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ, आप ये समझ लो मेरे कह रहे हैं, क्योंकि सारे ही ऐसे होते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट होते ही ऐसे हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि वो ऑनलाइन वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सामने है, सामने वो उनका वो कंडक्ट अच्छा नहीं है, बैठने का, सुनने का, अंडरस्टैंड करने का, तो उधर जो मर्जी करें। अच्छा जी कर लो, मैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहे, ये ना हो आप सोए हो मैं बोलते जा रहा हूँ, रिस्पॉन्ड देखो, जब तक रिस्पॉन्ड कर रहे होगे मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाता रहूंगा, जब मुझे लगेगा रिस्पॉन्स खत्म हो गया है ही कोई नहीं, तो फिर मैं ऑफ कर दूंगा। सही है, लीनियर सर्च। अच्छा लीनियर सर्च क्यों यूज करते हैं, जब कभी आपको सर्च करना हो लिस्ट में, ऑर्डर में, वन बाय वन, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक अगर आपको सर्च करना हो, तो आप लीनियर सर्च को यूज करते हो। ए सर्च इज यूज टू चेक इफ ए वैल्यू इज स्टोर्ड इन ए लिस्ट, लिस्ट में अगर वैल्यू मौजूद है। लिस्ट क्या होती है, ये मैं जरा थोड़ा सा आपको साइड पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक लिस्ट है, मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास लिस्ट बनाने लगा हूँ, लिस्ट में कुछ एंट्रीज पड़ी हुई हैं, ये समझ लो लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, अरे में पड़ी हुई है, अरे जिसका नाम है लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर आपके टोटल 10 एलिमेंट्स, डेटा आइटम्स, वैल्यूज आपकी स्टोर है, और इसके इंडेक्स नंबर 0 पे पहली वैल्यू स्टोर है 2, इंडेक्स नंबर 1 पे दूसरी वैल्यू स्टोर है 9, इंडेक्स नंबर 2 पे तीसरी वैल्यू स्टोर है 6, इंडेक्स नंबर 3 पे एक और वैल्यू स्टोर है 7, ठीक है, एंड सो ऑन। एक और ले लेते हैं 9, टोटल 10 हो जाएगी, ठीक है। अब इंडेक्स वैल्यू आपकी 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, अगर 1 से स्टार्ट हो तो लास्ट वैल्यू 10 कर देना, अगर आप इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो तो लास्ट वैल्यू फिर 9 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर पड़े हैं, 22 इधर पड़ा हुआ है, 60 इधर पड़ा हुआ है, 29 इधर पड़ा हुआ है, और 13 इधर है, और 5 हो सकते हैं, हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा ये लिस्ट है, इस अरे का नाम क्या है, इस अरे का नाम है लिस्ट, ये कंटेन कर रही है कितने एलिमेंट, 10, इसकी लोअर बाउंड वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है लोअर बाउंड वो है 0 इंडेक्स नंबर, और अपर बाउंड का इंडेक्स नंबर है 9, टोटल कितनी वैल्यूज हैं जनाब, 10, 0 से लेके 9 तक। अगर ये लोअर बाउंड आप इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन अगर 1 के साथ होती है, बाज प्रोग्रामर 1 इंडेक्स नंबर लेते हैं, बाज प्रोग्रामर 0 से स्टार्ट करते हैं, और 0 से स्टार्ट करते हैं तो 9 पे खत्म कर देना, अगर 1 से स्टार्ट करते हो तो 10 पे खत्म कर देना, अगर 0 से स्टार्ट करते हो लोअर बाउंड 0 कहलाएगा, और उसकी अपर बाउंड्री या अपर बाउंड वैल्यू वो 9 इंडेक्स की कहलाएगी। हर एक आपकी वैल्यू स्टोर करने का एक कंटेनर है, विद नेम, नेम या आइडेंटिफायर का नाम वो लिस्ट है, ठीक है। ये अरे है, ये अरे ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स है, और इसको कंट्रोल किया जाता है, इसकी पॉपुलेशन को, इसको पॉपुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे ये बताओ ये लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू क्या है, आप बताओगे सर 2 है, लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू क्या है, आप कहोगे 9 है, मैं कहूंगा लिस्ट इंडेक्स नंबर 9 के ऊपर वैल्यू क्या है, आप कहोगे 22 है,
तो ये आपको यहां से अगर आपने वैल्यू असाइन करनी हो सुडो कोड में, तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है सुडो कोड में ये एरो की होती है। इस वक्त इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है ये, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। अगर मैं आपको कहूं मुझे 7 सर्च करके दिखा दो, इस लिस्ट में मुझे 7 की सर्चिंग रिक्वायर्ड है, क्या इस लिस्ट में 7 है? या मैं इसमें कहूं मुझे एक वैल्यू रिक्वायर्ड 99, क्या इसमें लिस्ट में वैल्यू 99 है? आपको कि नो नो। अब ये काम कैसे किया जाता है, आपको इसका सुडो कोड कैसे लिखना है, ये आपको पूरा सुडो कोड लिखा हुआ है, ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने लगा हूं। अभी आपको मैंने सिंपल सा एक टच दिया है, एक अरे का सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज डेटा आइटम्स उसमें पॉपुलेट होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है इंडेक्स नंबर के साथ, उसकी एक लोअर बाउंड वैल्यू होती है और इसकी अपर बाउंड वैल्यू होती है, इसकी टोटल क्वांटिटी आप 0 से लेकर 9 तक जब कैलकुलेट करते हैं टोटल बनते हैं 10 एलिमेंट, और 10 एलिमेंट जो इसमें हर एक इंडेक्स वैल्यू को आप असाइन करते हो, और उसको असाइन कैसे करते हैं ब्रैकेट के साथ, इंडेक्स की वैल्यू ये रिप्रेजेंट होती है यहाँ पे, इंडेक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है विद इन दोज ब्रैकेट्स। जीरो का मतलब वैल्यू नंबर जो पहले इसका लिस्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, दूसरी तीसरी चौथी ऑन सो ऑन। इस सर्च इज यूज्ड टू चेक इफ ए वैल्यू इज स्टोर इन ए लिस्ट परफॉर्म्ड बाय द सिस्टमैटिकली वर्किंग थ्रू द आइटम इन द लिस्ट। आपको कहा जाए कि मुझे 7 मालूम करना है, आप सबसे पहले इंडेक्स नंबर 0 को कंपेयर करोगे, क्या ये 7 है? नो, छोड़ दो, इंडेक्स में +1, अगली वैल्यू 9, क्या 7 के बराबर है जिसको सर्च किया है? नो, छोड़ दो, इंडेक्स में +1, ये हो गया 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू बराबर कंपैरिजन किया गया, क्या वो 7 है? नो। जैसे ही उसको इंडेक्स नंबर 3 +1 करने पे इंडेक्स नंबर 3 पे गया, इस वैल्यू को कंपेयर किया गया, इसके अंदर जो पड़ी हुई है वो मैच हो गई, देन आपको वैल्यू मिल गई है। तो ये आपने बता देना है मिल गई वैल्यू, इफ फाउंड देन वैल्यू इज एग्जिस्ट इन योर लिस्ट, इफ नॉट फाउंड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन योर लिस्ट। लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपके पास पड़ी हुई है, 10 आइटम इसके अंदर पड़े हुए हैं, इंडेक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, असाइन किया जाता है, और ये सिस्टमेटिकली सर्च करता है, डायरेक्ट आप किसी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगी सर्चिंग, सिस्टमेटिकली होगी, ऑर्डर में होगी, और हर वैल्यू को कंपेयर करने के बाद जैसे वो मिल जाएगी वो कहेगा फाउंड। अब ये कैसे करेगा ये आपको बताने लगा। सिस्टमेटिकली वर्किंग थ्रू द आइटम ऑफ द लिस्ट, देयर आर सेवरल स्टैंडर्ड सर्चिंग मेथड, बहुत सारे हैं, इसमें से जो बहुत पॉपुलर है आपके कोर्स में, इस काइंड ऑफ सर्चिंग को लीनियर सर्च बोलते हैं, विच इंस्पेक्ट ईच आइटम इन ए लिस्ट इन टर्न टू सी इफ द आइटम मैचेस द वैल्यू सर्च फॉर। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग द नेम इन द क्लास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम वेयर ऑल द नेम्स स्टोर्ड आर डिफरेंट। अच्छा, बात यह है, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने इंस्टेड ऑफ नाम लिखने के यहां पे नंबर लिख दिए, ये समझ लो ये सुहेब है, ये हारून है, ये अमार है, ये अली है, ये कौन है, कोई भी नहीं है। इसी तरह आपके 10 एलिमेंट या 10 नाम है, ये समझ लो नंबर नहीं है, ये आपके नाम है, ठीक है। एक का नाम 6 है, एक का नाम 7 है, एक का नाम 10 है, या एक का नाम अली है, एक का नाम हारून है, एक का नाम अमार है, एक का नाम फातिमा है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो सर्च करना है इस लिस्ट में वो बताना पड़ेगा, क्या सर्च करना है, नेम एंटर कर दो। मिसाल के तौर पे मैंने नेम एंटर कर दिया यहाँ पे सुहेब, ठीक है, सुहेब है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है सुहेब, नेम है पड़ा हुआ लिस्ट में सुहेब, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक चीज करनी है, इनिशियलाइजेशन। आपने कहा अभी ये अज्यूम कर रहे हो नहीं मौजूद, लिस्ट में ये नाम है ही नहीं, तो क्या आपने असाइन किया फाउंड में? फॉल्स। काउंटर, काउंटर को क्या कर दिया, इनिशियलाइज विद 1, ये समझ लो, मैंने थोड़ी सी फिर करेक्शन कर देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, और ये आखिर में ये 10 है। मैंने बोला ना कुछ प्रोग्रामर 0 से इनिशियलाइज करते हैं अरे को, कुछ 1 से करते हैं, 1 और 0 दोनों ही ओके हैं, कोई इसमें एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। ये इनिशियलाइजेशन वाले प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करता है या वो 1, दोनों करेक्ट है, ठीक है। इसने अलबत्ता ये किया, काउंटर को इसने 1 से इनिशियलाइज किया। अब इफ नेम, नेम क्या दिया मैंने, सुहेब, नेम सुहेब एग्जिस्ट करता है यहां पे मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस नेम को सुहेब को कंपेयर किया जाएगा जो इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है। इस लिस्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट, इस लिस्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम,
अरे का नाम क्या है? स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है. स्टूडेंट नेम मैंने लिस्ट को नाम क्या रख दिया? स्टूडेंट नेम. तो इसका मतलब आपके पास एक अरे है जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट नेम. इसमें टोटल कितने नेम स्टोर हैं? 10. और इसको किस तरह आप पहले वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए काउंटर में आपका बाय डिफॉल्ट यहां से वैल्यू क्या चली? 1. आपके पहले स्टूडेंट को कंपेयर किया जा रहा है, क्या ये बराबर है इस नेम के जो दिया गया सुहेब? क्या सुहेब लिखा हुआ है इधर? इधर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर हारून. हारून और सुहेब की वैल्यू को मैच हो रही है? नो. तो क्या होगा? रिपीट का एक आपको एक्शन किया. और ये कब तक चलता रहेगा? इसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं? पहली स्टेटमेंट ये रिपीट में, दूसरी स्टेटमेंट अगर वो मिल जाता है तो फाउंड की वैल्यू जो के क्या थी? फॉल्स थी. अब क्या होगी? ये ट्रू कब होगी? अगर मैच हो. इत्तफाक की बात है, इंडेक्स नंबर 1 पे हारून है. सर्च करने के लिए क्या दिया? सुहेब. ये तो मैच नहीं हो रहा. मैच नहीं होगा तो ये किस में जाएगा? ये तो होगा ही नहीं कभी. अभी तक फॉल्स है, जो कि ऊपर आपने कहा था फॉल्स है. स्टिल ये फॉल्स. ये ट्रू कब होगा? जब मैच हो जाएंगे. इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है काउंटर की, वो 1-1 आपका स्टूडेंट नेम हारून. हारून सुहेब के बराबर तो है ही नहीं. दैट्स व्हाई ये एल्स पार्ट में जाएगा. और एल्स पार्ट में जाके क्या करेगा? काउंटर में +1 कर देगा. तो मतलब अब स्टूडेंट नेम की जो इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू पड़ी हुई वो है अली. काउंटर में ये भी ऐड हुआ. अभी कंपैरिजन में अभी बताता हूं. यहां तक जब आ जाएगा, क्या आपको वो नाम मिल गया है? क्या फाउंड की वैल्यू ट्रू है? नो. या काउंटर की वैल्यू साइज से बड़ी होगी? अब ये क्लास साइज क्या है हमारा? क्लास साइज है 10. 10 एलिमेंट है ना, 10 नाम है. क्लास साइज क्या है? 10. क्या काउंटर अभी क्या हुआ है? अभी टू. क्या टू बड़ा है? नहीं. क्या फाउंड हुआ है? नो. दोनों सूरतों में रिपीट. नेम क्या दिया हुआ मैंने? सुहेब. सुहेब क्या स्टूडेंट लिस्ट में काउंटर नंबर 2 के साथ मैच हो रहा है? यहां पर बड़ा हुआ अली. अगर तो मैच हो गया तो फाउंड ट्रू होगा. स्टिल ये मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? काउंटर +1, 2+1, 3. क्या नहीं फाउंड हुआ? नो. क्या क्लास साइज 3 बड़ा है 10 से? नो. रिपीट. इफ नेम इज अगेन मैच विद इंडेक्स नंबर 3. इंडेक्स नंबर 3 पे पड़ा हुआ है हादी. नेम पड़ा हुआ है हादी. हादी को चेक किया, इस नेम के साथ मैच हो रहा है सुहेब के साथ? नो. अगर होगा तो फाउंड ट्रू हो जाएगा, नहीं हुआ तो काउंटर में फिर एक ऐड हुआ. 3+1, 4. 4 क्या फाउंड हुआ या साइज बड़ा हुआ? नो. ऐसी सूरत में रिपीट. और रिपीट में जाके जनाब 4 नंबर पे इत्तफाक से सुहेब नेम पड़ा हुआ था, और गिवन जो आपका फाइंड करने के लिए दिया वो भी सुहेब है, ये भी हो गया. देन इट विल रिप्लेस दिस वैल्यू ट्रू इन विच वन वेरिएबल नेम बुलियन वैल्यू इज फाउंड में ट्रू आ गया. और ये हो गया. एल्स वाला पार्ट अब करने की जरूरत नहीं, मिल चुका है. काम खत्म. क्या फाउंड हुआ है? ट्रू. यस. अब अगर इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि गो के ये भी 5 हुआ है, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, लेकिन ये काम हो गया. अब दरमियान में और लगा हुआ है, और क्या कहते हैं, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाए तो, चूंकि ट्रू हो गया तो अगले ही लम्हे ये लूप ब्रेक हुआ, रिपीट नहीं होगा. और फाउंड हुआ है, ट्रू है ना, तो मैसेज क्या आएगा? सुहेब. नेम में क्या आ जाएगा? जो स्टोर है. क्या नेम में स्टोर है? ये जो आपने अभी थोड़ी देर शुरू में दिया था सुहेब. मैसेज क्या आएगा? सुहेब फाउंड एट पोजीशन काउंटर की वैल्यू जो कि लास्ट टाइम जो थी 4, क्योंकि एल्स में तो गया ही नहीं, 5 तो हुआ नहीं. एट पोजीशन नंबर 4 इन द लिस्ट. काउंटर में रिप्लेस हो जाएगा क्या? जो लास्ट वैल्यू यहां पे ऊपर थी 4, 4th नंबर पे वो मौजूद है जनाबे आली. अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा हूं. अगर मैंने कोई ऐसा नाम दे दिया जो लिस्ट में है ही नहीं, जब बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक करके ढूंढता रहेगा, नहीं है 0, 1 में नो, 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, काउंटर +1 भी हो जा रहा है एल्स की वजह से, क्योंकि फाउंड तो हुआ नहीं, ट्रू तो हुआ नहीं. तो अंटिल में जब वो पहुंचेगा 10 के लिए, 10 को क्रॉस करेगा, 11 इंडेक्स नंबर हो चुका होगा, 10+1, 11 हो जाएगा, तो कहेगा फाउंड तो नहीं हुआ. दूसरा
क्या वो काउंटर का साइज जो कि 11 हो गया वो बड़ा है क्लास साइज, क्लास साइज की वैल्यू थी 10, तो ये ब्रेक हो जाएगा लो, और आगे वो फिर एल्स में जाएगा, फाउंड नहीं हुआ नो, तो एल्स में जाके प्रिंट कर देगा क्या कि सुहेब नॉट फाउंड, मिल जाएगा तो वो पहले मिल जाएगा, हाँ दोनों छोड़ता क्योंकि यहां पे अंटिल में ये लिखा हुआ है फाउंड, अगर मिल जाएगा तो ये ट्रू हो गया ना, ट्रू हो गया तो मतलब फाउंड, अगर मिल गया सुहेब जो कि इंडेक्स नंबर 4 पे पड़ा हुआ था जनाब, ठीक है, किसको लीनियर सर्च की समझ आ गई है, वो देखो ना वैसे बैठा हुआ है सलमान खान की तरह, जैसे पता नहीं इधर वो कोई ड्रामा चल रहा है, मौजूद नहीं, माफी मौजूद, अच्छा अब आपकी सजा है मेरा वीडियो देखना है फिर समझ आएगी, नहीं वो नहीं देखना, वो इस वजह से देखना है कि नहीं समझ आई, नहीं वैसे नहीं देखना, अच्छा आ गया नहीं अभी क्यों दिखा रहे, हाँ अभी दिखा दो मैं पागल हूँ क्या, अच्छा मेरी बात सुनो, अगली बात इन दिस एग्जाम्पल, मेरी बात सुनो, इन दिस एग्जाम्पल द सर्च चेक्स हाउ मेनी पीपल चॉइस आइसक्रीम एज देयर फेवरेट डेजर्ट वेयर सेवरल वैल्यूज इन द लिस्ट कैन बी द सेम, अच्छा अब ये देखिए चॉइस काउंट एक अरे है तो उसके अंदर डिफरेंट डेजर्ट्स की वैल्यूज पड़ी हुई है, इसे साफ नहीं बना सकता, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है डेजर्ट का नाम, कोई नाम बताओ, जी भी गुलाब जामुन और रोजेस और पाइन एप्पल और पिक्चर है कोई डेजर्ट का नाम स्ट्रॉबेरीज बर्फी, अच्छा मेरी बात सुन, चॉइस काउंट को इनिशियलाइज किया गया किसके साथ, जीरो के साथ, और काउंटर इज इक्वल टू व्हाट, वन टू लेंथ ऑफ दिस अरे, ठीक है, इफ उसमें आइसक्रीम एग्जिस्ट करती है काउंटर नंबर वन पे, इसमें मैं सॉरी एक यहाँ पे आइसक्रीम रख देता हूँ, आइसक्रीम ये अच्छी है वैसे ऑफर रमजान में अफतारी में, अच्छा इफ आइसक्रीम इज इक्वल टू एग्जिस्ट कर रहा है डेजर्ट के काउंटर नंबर वन पे, फर्स्ट टाइम वन होगा ना, ठीक है, अगर मिल गया तो चॉइस में जो कि जीरो है पहला आपका यहाँ पे आ गया, आइसक्रीम देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आइसक्रीम दो जगह पे एग्जिस्ट करती है, आइसक्रीम इधर भी है, आइसक्रीम इधर भी है, बाकी सारे डिफरेंट आपके फ्लेवर यहाँ पे पड़े हुए, आइसक्रीम कितनी जगह एग्जिस्ट करता है इस अरे के अंदर ये काउंट करके आपको बता देगा चॉइस काउंट, चॉइस काउंट में फर्स्ट टाइम क्या आपने इनिशियलाइज किया जीरो, और इस को आपने अंटिल द लेंथ ऑफ दिस अरे आपने चलाना है, अच्छा इसकी लेंथ कितनी अरे की, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ है मिसाल के तौर पे, ठीक है, अभी अभी हाँ चले ये वन से ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, ठीक है एट है, वन से एट तक फर्स्ट टाइम वो मैच करेगा इस अरे का नाम है डेजर्ट, इस अरे का नाम क्या है स्टूडेंट लिस्ट नहीं है, डेजर्ट के नाम से ये अरे का नाम है, ठीक है, उसका काउंटर नंबर वन क्या उसमें आइसक्रीम है, नहीं है, ये आइसक्रीम कहाँ यूज करती है, एक यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे आठवें नंबर पे, दो जगह पे आइसक्रीम पड़ी हुई है, ठीक है एक आइसक्रीम इधर पड़ी हुई है डेजर्ट में, एक आइसक्रीम इधर पड़ी हुई है अदर देन बाकी उसमें पड़े हुए, तो आप वो मैच करेगा आइसक्रीम की वैल्यू काउंटर वन में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, अगर करती है तो चॉइस में आपको ये बताएगा जनाब, इसका मतलब है ये अरे का मकसद एक है,
आइसक्रीम को कैलकुलेट करें, आइसक्रीम कितनी जगह पे रिपीट हो रहा है, ये दो जगह पे रिपीट हो रहा है, तो चॉइस काउंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 2। जैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, पूरी अरे में आइसक्रीम कितनी जगह एग्जिस्ट करती है, 2 जगह पे, तो आपका इंडेक्स नंबर या काउंटर 1 पे आइसक्रीम नहीं है, काउंटर दोबारा 2 सेकंड, हाँ सेकंड को चेक करेगा कि यहां पे आइसक्रीम लिखा हुआ है, इसके अंदर आइसक्रीम है, नो, प्लस 1, ठीक है, अगली दफा ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फोर्थ पे इत्तफाक की बात है आइसक्रीम था, तो चॉइस काउंट में जो कि 0+1 है, ये चॉइस काउंट 1 हो जाएगा, फिर ये लूप 5th टाइम चलेगा, 6th टाइम चलेगा, 7th टाइम, और 8th टाइम जब चलेगा उसमें भी एग्जैक्टली आइसक्रीम की वैल्यू, आइसक्रीम की वैल्यू के साथ मैच हो जाएगी, दैट्स व्हाई चॉइस काउंट में 2 आ जाएगा। इसका मकसद पता क्या है कि इस अरे में जो आइसक्रीम है कितनी जगह एग्जिस्ट करती है, या अली है, क्लास में 2 अली बैठे हुए हैं, तो पूरी अरे में सर्च करो अली कितने काउंटिंग में है, तो फॉर एग्जाम्पल वो 4th काउंटर के ऊपर मौजूद है, 8th काउंटर पे मौजूद है, तो वो 2 जगह पे आपको अली नेम फाइंड करने के बाद, मैच करने के बाद वो कहेगा अली काउंट कितने हैं जी, चॉइस में अली काउंट 2 है। बबल सॉर्ट पिछला और इसमें फर्क है जो सुडो कोड में, पिछले सुडो कोड में जिस सर्च करने के लिए कहा था, इस सुडो कोड में सर्च अगर मैच हो जाए तो काउंट करना शुरू कर दे कितनी जगह एग्जिस्ट करता है सेम नेम, दोनों में फर्क है। पिछला जो सुडो कोड है उसमें सर्च फाइंड करने के लिए कहा था लिस्ट में है कि नहीं है, इस सुडो कोड में क्या किया है कि वो नाम जो है, चाहे वो आइसक्रीम का नाम है या बंदे का नाम है, वो पूरी अरे में कितनी जगह पे बार बार रिपीट हो रहा है, अगर वो 3 जगह रिपीट हो रहा है तो चॉइस काउंट में फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। बबल सॉर्ट इन दोनों एल्गोरिथम को जो है, एक एल्गोरिथम में आपको सर्च करने का एक्शन किया गया, दूसरे एल्गोरिथम में सर्च करने के बाद काउंट करने का भी कहा गया, ठीक है, ये फर्क है दोनों। और बाद का आपको कहा जाता है पेपर में जनाब मिस्टर अमार के, आप एक सिंपल सुडो कोड लिखो कि उसमें जो मैचिंग वैल्यू है उसकी काउंटिंग हो, मैचिंग वैल्यू, लेट्स सपोज आइसक्रीम, उसकी काउंटिंग हो, तो काउंटिंग के लिए फिर यही नीचे वाला, अगर सर्चिंग करवानी है तो ऊपर वाला, ये 2 अलग अलग सुडो मौजूद हैं, दोनों को रट लो, याद कर लो, बेहतर है समझ के याद कर लो तो बेहतरीन हो जाएगा। ले जी आज का हमारा फाइनल टॉपिक बबल, क्या ले लो जाओ लगा रहे बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हाँ जी क्वेश्चन समझो, कुछ बात समझो, क्या किया मैंने, हमारे साथ कोई है इस वक्त, मोहम्मद हनीफ आपने ना, बल्कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट है, हम कल ऑफ कर रहे हैं, 23 मार्च का ऑफ है हमारा, फ्राइडे वाले दिन मार्च है ना छुट्टी है, पाकिस्तान में छुट्टी है, तो कल तो वैसे हमारा 23 मार्च की वजह से ऑफ होगा, फ्राइडे वाले दिन आपको जो शेड्यूल दिया गया है उसमें क्लास शायद 1:30 पे है, हाँ तो वो टाइम जुम्मे का है, 1:30 मुश्किल हो जाएगा, हम इस क्लास को शिफ्ट कर रहे हैं सैटरडे को, लेकिन आपने सैटरडे को ऑनलाइन आना है, वो भी मैं आपकी वजह से कर रहा हूं, अगर ऑफ भी कर देंगे हर्ज नहीं है, लेकिन हर्ज आपका हो जाएगा क्योंकि एग्जाम आ गया, हम क्या कर रहे हैं सैटरडे के सैटरडे क्लास हमारी 1 से 3 बजे के दरमियान में हुआ करेगी, सैटरडे के सैटरडे, जितने फ्राइडेज आ रहे हैं उसका ऑल्टरनेट हमने उसको कंपनसेट किया है सैटरडे में, आपने हर सैटरडे को 1 से 3 ऑनलाइन आना है, आप अपने कोई क्यूरीज हो वो भी दे सकते हो, कोई क्वेश्चन का पेपर से अंडरस्टैंड करना वो भी हो सकता है, अदरवाइज हम रूटीन का लेक्चर अपना करेंगे, पॉसिबल नहीं है, वो फिर कोई आ रहा होगा, कोई लेट आ रहा होगा, कोई पहुंच नहीं रहा होगा, वो अजीब सा वो माहौल बन जाएगा, तो बेहतर है मैं इसको फिक्स करूं किसी जगह, तो फिक्स हमने क्या किया इसको कि हम सैटरडे को लिया करेंगे क्लास, ठीक है मिस्टर हनीफ, सैटरडे की सैटरडे 1 से 3 बजे तक, फ्राइडे ऑफ हमारा, संडे को मैंने भी छुट्टी करनी है, और भी सैटरडे को सिर्फ आपके लिए मैं ऑनलाइन दूंगा, बाकी ऑफ है मेरा, हाँ भाई किधर वो अपनी जगह जा रहा है, जल्दी आओ जल्दी, तो पता क्या है वो हम इंशाल्लाह, मैंने अपनी तरफ से तो टाइम आपको दिया है,
अब आप उससे कितना फायदा उठा सकते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ तो कोई ना कोई काम की बात ही हम कर रहे होंगे, गपशप तो नहीं हो रही होगी, गपशप थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन हम अपने बुक का जो टेक्स्ट बुक है इसको भी कवर करना है, पेपर की तैयारी भी करवानी है आपको, तो आप लोगों को मैंने डॉक्यूमेंट एक सेंड कर दिया था कल, उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। उसमें खास तौर पे सुडोज लिखे हुए हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, कुछ ट्रेस टेबलिंग की हुई है, एरर को आइडेंटिफाई किया होगा, उसको करेक्ट किया होगा, तो उसमें अच्छी प्रैक्टिस आपको मिल सकती है। तो आप कल का दिन जाया ना करना और फ्राइडे वाला दिन भी जाया नहीं करना, 2 दिन आपके पास हैं, आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओ, डॉक्यूमेंट को जरूर स्टडी करो। और दूसरी बात, हम इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है हमारा फ्राइडे वाला, जो रमजान के लिए इसे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, रमजान के बाद नहीं, रमजान जब तक है हम इसको सैटरडे को किया करेंगे 1 से 3। फ्राइडे हाँ क्लासेस उस दिन तक है, बल्कि जब पेपर वन हो भी जाएगा ना 12 मई को, उसके बाद भी क्लासेस हमारी ऑन है, है 18 मई तक है ना आपका पेपर टू। नहीं आप सीएच में पढ़ाई है नहीं मैं हूँ अवेलेबल, नहीं आप ना हो, बात कर रहा हूँ मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, ये ना ना सर ने सर पहले 6 दिन क्लास है, 3 दिन मेरे साथ दिन आप स्कूल में लाइव मीटिंग होता है सीरियस मतलब कि कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं ये एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ ना सैटरडे को, हाँ मैं मिस्टर मार सैटरडे को एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना, देखता हूँ कितने सीरियस हो, सीरियस हो गए तो सैटरडे मुझे कोई एतराज नहीं, 6 घंटे का सेशन कर लो मेरे साथ, को तो जाग गया ना सैटरडे के सैटरडे, सैटरडे के सैटरडे रमजान मुबारक में हम फ्राइडे का लेक्चर शिफ्ट कर रहे हैं सैटरडे को, 2 घंटे की क्लास 1 से 3, ताकि मैक्सिमम हम इसको कोर्स को कवर भी कर दें और आप मेरी जान छोड़ दो और ऑनलाइन होगी सर और कुछ और भी कर लो, सर सिर्फ यही तो ऑनलाइन नहीं पढ़ना। हाँ ऑनलाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं होता तो सैटरडे को ऑनलाइन ही होगी क्लास, वैसे तो कोई टाइम नहीं मतलब एक रमजान में क्या टाइम है सुबह रमजान का टाइमिंग है 1:30 बजे से, नहीं 1:30 नहीं बल्कि 1:15 बजे से, 1 से सवा 2। वैसे तो आपको जो शीट दी गई है ऑफिशियल उसमें 1:30 बजे है, लेकिन हम अनऑफिशियली 1:15 बजे स्टार्ट कर देंगे। और क्या रहती है मैं आपको सुकून है, करूँ स्टार्ट? बता चले अब जरा सीरियस, अमार जी ये सर जलसला बच्चों, ये जलसला बच्चों कुछ भी नहीं था, 2005 बहुत शायद आप वो मतलब ऐसे ऐसे हिलाए कर, कल नहीं कल इतना नहीं, इस्लामाबाद साइड में बहुत ज्यादा था, वो तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, वरना 7.7 ये जलजला तुर्की में जब आया था उसी वक्त से बता दिया गया था पाकिस्तान में भी सेम इसी तरह के जलजला आने वाला है, लेकिन वो इत्तफाक से बचत हो गई। 7.7 का जलजला जो होता है ना सब कोई उड़ा देता है, ये सारे ये अल्लाह ने बचा रही है, अल्लाह ने बचा रही है, वरना कोई कोई हालात कल अच्छे नहीं थे। इसका नहीं ज्यादातर लोग जो है ना बाहर ही आ गए थे, अच्छा जी बच्चों चले आपस कर बबल सॉर्ट। अच्छा बबल सॉर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक लिस्ट अगर आपके पास है, चाहे एक वर्टिकल मैं लिख दूं या हॉरिजॉन्टल लिख दूं कोई मसला नहीं है, ये लिस्ट में कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है, जरा गौर कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ और इसके बाद मैं थ्योरी जब पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी, सिर्फ ये आपको एक लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जहाँ पे कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, चले 5 ही लेते हैं ज्यादा नहीं लेते। ओके 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 चले कोई बात नहीं, ठीक है चले 7 कर ठीक दो, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू पड़ी हुई है 0, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, काउंटिंग भी आपको नजर आ रही है, 6 वैल्यूज हैं। अब ये करता क्या है, बबल सॉर्ट
जिस तरह नाम से जाहिर है, बबल सॉर्ट असल में इस वैल्यू को कंपेयर करेगा अपनी एडजेसेंट बिलो वैल्यू के साथ। इंडेक्स नंबर जीरो पे जो ये लिस्ट, ये इसका इस अरे का नाम मैं ले देता हूँ लिस्ट, इस लिस्ट में जो इंडेक्स नंबर जीरो पे वैल्यू पड़ी हुई है इसको कंपेयर करेगा किसके साथ, इंडेक्स नंबर वन के साथ। अगर तो ये वैल्यू छोटी है, अगर तो ये वैल्यू छोटी है तो ये आपकी स्वैप होगी बड़ी के साथ। अगर तो ये वैल्यू छोटी है तो स्वैप होगी बड़ी के साथ, अगर वैल्यू छोटी नहीं है, बड़ी है, अपनी जगह पे रहेगी। इसका मतलब ये छोटी है चूंकि इसने स्वैप होना है, 90 छोटी है ना, इसने स्वैप होना है। स्वैप मतलब इंटरचेंज होना है आपस में। अब इसको ये करना क्या है, इसको जो ये वैल्यू पड़ी हुई है ना, ना इस तरह नहीं, डायरेक्ट नहीं आपने ऊपर नीचे करना, इसको एक वेरिएबल ले लिया हमने टेम्प के नाम से, इस वैल्यू को यहां पे स्टोर कर दिया टेम्प में, शिफ्ट कर दिया। अगर छोटी है, अगर छोटी है या बल्कि इसको इस तरह नहीं करते बल्कि बड़ी को शिफ्ट करते हैं यहाँ पे टेम्प में, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। ये मजे की बात है, ये मैंने शायद परसों या चौथ ए लेवल वाले स्टूडेंट्स को करवा रहा था बबल सॉर्ट। इसका मतलब, बताने का मतलब ये है, ये टॉपिक असल में हुआ करता था ए लेवल की क्लास में, कंप्यूटर साइंस की क्लास, उसका नया कोड है 9618। इंशाल्लाह अगर आप में से कोई लेता है कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट ए लेवल में, उसमें 9618 कोड है उसका, उसमें भी बबल सॉर्ट इसी तरह है जिस तरह यहाँ पे है। पहले बबल सॉर्ट होती ए लेवल में थी, इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस करवाया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है ओ लेवल वालों को। आप यहां से सीख के जाओगे, जब यही टॉपिक आप किसी भी ट्रेनर से पढ़ रहे होगे बबल सॉर्ट, आपको याद आएगा कि ये मुझसे भी आपने पढ़ा था। ए लेवल में भी सेम यही टॉपिक रिपीट होगा, लीनियर सर्च वाला भी और बबल सॉर्ट वाला भी रिपीट मिलेगा आपको। बबल सॉर्ट करता क्या है कि आपकी अगर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करता है, अपर वैल्यू को बिलो वैल्यू के साथ, जीरो इंडेक्स वैल्यू को वन के साथ, अगर ये वैल्यू बड़ी है इंडेक्स नंबर जीरो में, इसको शिफ्ट कर देगा किसमें, वेरिएबल नाम क्या है टेम्प, और ये जब मूव हो जाएगा ये ब्लॉक खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी जब हो जाएगा तो इंडेक्स नंबर वन की जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर जीरो में जाके स्टोर कर देगा। इसका मतलब यहां पे क्या आ गया 19, ये क्या हो गया एम्प्टी। अब इसको उठाएगा 9 जो इसमें 27 पड़ा हुआ है, 27 को जाके इधर शिफ्ट कर देगा। इस पूरी एक्शन को बोलते हैं स्वैप करना। फिर इसको 27 को कंपेयर करेगा अपनी नीचे वाली वैल्यू के साथ, अगर तो 27 बड़ी होगी इसको फिर शिफ्ट करेगा टेम्प में, ये वेकेंट हो गया एम्प्टी हो गया, इस वैल्यू को उठाएगा और इसके इंडेक्स नंबर टू वाली को इंडेक्स नंबर वन में स्टोर कर देगा लिस्ट के अंदर। ये अब एम्प्टी हो गया, 27 यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब नई अरे जो बन रही होगी वो इस तरह होगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू 19 आ चुकी है, यहाँ पे 20 आ चुकी है, और यहाँ पे जो 27 थी वो यहाँ पे जा चुकी है। स्टोरी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, 27 यहाँ पे 27 आ चुकी है, ठीक है। 27 को फिर चेक करेगा अपनी अगली वैल्यू के साथ, बड़ी है इसको फिर शिफ्ट करेगा टेम्प में, और फिर इसको 16 को मूव करेगा हियर, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16, और ये वैल्यू जो है वो चली जाएगी नीचे 27, और 27 के नीचे जो वैल्यू है इत्तफाक से वो भी छोटी है, फिर इसको मूव करेगा टेम्प में, 16 को यहाँ पे एम्प्टी चुके हो गया। इसको डायरेक्ट स्वैप नहीं कर सकते, अभी आपने कहा इनको सर डायरेक्ट कर सकते हैं, नो, ओवरराइट हो जाएगी, पिछली वैल्यू खत्म हो जाएगी, खत्म थोड़ी करनी है आपने, उसको कहीं टेम्परेरी स्टोर करवाओ, बड़ी को टेम्परेरी स्टोर करवाओ, जब वो जगह खाली हो जाए वहां पे वैल्यू छोटी वाली लेके चले जाओ, ठीक है। और फिर जो बड़ी वैल्यू टेम्प में रखी है उसको जो नई छोटी वैल्यू की जगह खाली हुई वहां पे प्लेसमेंट कर दो। ये अगर आपको समझ आना शुरू हो गया है, अगर ये समझ आना शुरू हो गया है, मजे की बात है, होगा पता क्या है एट द एंड ऑफ दिस एक्शन, ये एंड पे होगा, क्योंकि 27 इत्तफाक से सबसे बड़ी वैल्यू है, तो फिर 27 मिसाल के तौर पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया, वो कहती है ये आ गया 27 और 27, और ये यहाँ पे क्या पड़ा हुआ इसके नीचे 27, क्योंकि स्वैप को 16 ऊपर चला गया, 27 नीचे आ गया, तो एक्चुअली कुछ सीन यही होगा ना, 27 को 81 के साथ कंपेयर करेगा, और 27 चूंकि छोटा है वैल्यू, तो इफ यहाँ पे बकायदा हम कंडीशन लगाएंगे, इफ ये लिखा होगा, ये ऐसे नहीं होना, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, इफ क्या, इफ लिस्ट
के अंदर जो करंट इंडेक्स वैल्यू है इज बिल्कुल सही बोला, ग्रेटर देन लिस्ट के अंदर इंडेक्स वन, इंडेक्स प्लस वन के, इंडेक्स वन की अगर बड़ी है तो क्या करे, तो क्या करे जनाब, तो ये करे कि जो वैल्यू है इंडेक्स वाली जो बड़ी ऊपर है इसको मूव कर दे किसमें, टैंप में, ये इफ के अंदर करोगे, टैंप में क्या मूव कर दे, असाइन कर दे जो लिस्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू है। ये कोड है इसका, बड़ा मजे का कोड है अगर समझ आना शुरू हो जाए तो। और ये जब पहला, ये पहला स्टेप हुआ इफ के अंदर, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप बच्चों क्या होगा, लिस्ट इंडेक्स प्लस वन में लिस्ट इंडेक्स की वैल्यू चली जाए। मैं जगह यहां पे नहीं है, चले यहां लिख देता हूं, ये देखो पहला स्टेप याद है, अगर बड़ा है ऊपर वाला नीचे से तो क्या करे, जो वैल्यू है ऊपर वाली बड़ी वाली वो टैम में डाल दे, तो टैम में चली गई। तो अब आपने अगला एक्शन पता क्या करना है, लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स प्लस वन के अंदर जो है, सॉरी इंडेक्स नहीं, इंडेक्स में, इंडेक्स में जो उसके नीचे वाली वैल्यू है इंडेक्स प्लस वन वाली वो साइन कर दे, ऐसा ही है ना, छोटी वैल्यू नीचे थी ना, लिस्ट इंडेक्स प्लस वन वाली उधर मूव कर दे। अच्छा इस सेक्शन में एक तीसरा सेक्शन भी होगा इफ के अंदर, वो क्या, टैंप वाली वैल्यू, टैंप वाली वैल्यू को उसमें रखना भी तो है, किसमें, इंडेक्स प्लस वन में। किसको ये लाइनें समझ आई हैं, और ये आपकी दोबारा से नीचे भी लिखी हुई है नीट एंड क्लीन, टैंप वाली वैल्यू मूव भी तो करनी है एंड पे वापस 27 जिसने होल्ड किया था, और ये सूडो कोड जो मैंने लिखा है ना बच्चों वो ये, ये टेम्परेचर की बात कर रहा है, मैंने लिस्ट लिखा है इससे टेम्परेचर, इसका नाम क्या रखा है लिस्ट के बजाय, नहीं समझ आई ना, समझाता हूं अरे का नाम क्या है, टेम्परेचर, मैंने लिस्ट रख दिया था, आप दोबारा थोड़ा सा इससे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिस्ट का नाम क्या है जिसमें टेम्परेचर पड़े हुए हैं, ठीक है, पांच टेम्परेचर पड़े हुए हैं, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 40 एंड देन 5, मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5 टेम्परेचर पड़े हुए हैं इस, हाँ सबसे पहले क्या होगा, इस वैल्यू को चेक करेगा अपने नीचे वाली वैल्यू के साथ, ये कैसे चेक करेगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर इंडेक्स वैल्यू ये वाली, और इंडेक्स में, इंडेक्स में क्या वैल्यू आएगी, इंडेक्स में वैल्यू आएगी फर्स्ट, फर्स्ट में क्या स्टोर है, वन, इंडेक्स, ये इंडेक्स वैल्यू है, ये इंडेक्स की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी, वन, और लास्ट वैल्यू क्या आएगी इसमें, 10-1, 9 दफा, क्योंकि लास्ट एक, एक, एक कम चलेगा। अच्छा यहां पे फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या मूव होगी इंडेक्स में, वन, वन, इंडेक्स नंबर वन को चेक करें इंडेक्स नंबर टू के साथ, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये इंडेक्स वैल्यूज। आपको लूप के अंदर बता दिया गया कि आपने एक लूप चलाना है यहां से रिपीट और अंटिल के दरमियान, ये देखो अंटिल, इसके दरमियान में क्या करना है, स्वैप को क्या कर दिया, स्वैप का मतलब क्या होता है, अदली बदली करनी है कि नहीं करनी, कब नहीं होगी, अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, होना कब है स्वैप ने ट्रू, जब ये एक्शन होगा, क्या बड़ी वैल्यू अगर ऊपर है छोटी नीचे है तो स्वैप होना ही होना है, लेकिन छोटी वैल्यू ऊपर है बड़ी नीचे है स्वैप नहीं होना, स्वैप राइट नाउ इज फॉल्स, स्वैप इज राइट नाउ इज फॉल्स। अच्छा फॉर इंडेक्स वैल्यू ये क्या आई, वन, या वन लिखा हुआ है, वन को टू के साथ कंपेयर करो, ये लिखा हुआ है, ये देखो अगर वो बड़ा है, इत्तफाक से नहीं है, 25 इज बड़ा है 30 से, नो, तो ये तीन काम या चार एक्शन जो है नहीं होने, तो क्या होना है, एंड इफ, कुछ भी नहीं हुआ, और दोबारा नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो गई, इंस्टेड ऑफ वन इसको कुछ नहीं किया, इंडेक्स नंबर टू को पिक किया, टू को कंपेयर किसके साथ करना है उसने, थ्री के साथ, कुछ भी नहीं होना, एंड इफ, नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो गई, थ्री, थ्री को, ओ हो सारी ऐसी कर दी है मैंने,
आखिरी वाला तो होगा स्वैप, 40 है ना, 5 का था वो तो होगा। तो टेंशन किस चीज की ले लो? ओ बच्चे ये 4 कर देते हैं ना इसको, ये लो ज्यादा समझने के लिए ना। थर्ड को जब 4 के साथ कंपेयर करेगा, ये 4 है, 40 नहीं है, 4 है, ठीक है। इन दोनों को जब चेक करेगा यहां पे, क्या ये वैल्यू बड़ी है? Yes. 37 इज ग्रेटर देन इंडेक्स नंबर 4 वैल्यू, यस। क्या होगा? जो वैल्यू ये है इंडेक्स नंबर 3 पे, वो टेम्प में जाके स्टोर कर दो। तो टेम्प में क्या आ गया? 37। अगर तो वैल्यू ये वाली इंडेक्स नंबर 3 वाली 4 के साथ जब उसने कंपेयर किया, 37 इज, यहां पे 37 आया ना इंडेक्स नंबर 4 3 पे, 37 इज ग्रेटर देन 30, सॉरी 37 इज ग्रेटर देन 4 है ना, देन व्हाट टू डू? इस वैल्यू को जो 37 है, जो इस इंडेक्स नंबर पे उसने होल्ड की हुई है, इसको टेम्प में रख दो। ये थोड़ी देर पहले ये तो बता रहा था, बड़ी वैल्यू है तो टेम्प में रख दो। रख दी, वो कंटेनर खाली हो गया, 4 अब आपका जो उससे नीचे वाली वैल्यू जो कि ये 4 पड़ी है प्लस 1 पे, अगला यही 4 ही बनता ना, 3 + 1 = 4, ये 4 भी जो पड़ी हुई है वो कहां पे चले जाए? ऊपर वाली वैल्यू यहां पे चली, ठीक है। वो टेंप में रखा हुआ है आपने, ठीक है, होल्ड किया, बट टेंप में, ये टेंप इज अनदर वेरिएबल, टेंपरेचर और टेंप का कोई ताल्लुक नहीं है, टेंप एक वेरिएबल है। टी ले लो, टेंप ले लो, आपकी मर्जी है। इसका टेंपरेचर जो अरे है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक टेंपरेरी वेरिएबल है जिसने होल्ड करना है। कब होल्ड करना है? अगर वैल्यू बड़ी है तो होल्ड करना है उसको, अदरवाइज ये रोल इसका कोई नहीं है। सिर्फ इसका रोल इतना है कि स्वैप करने में इजी फील करवा रहा है। एक बीच में हेल्पर है जो कह रहा है कि आप मुझे अपनी वैल्यू दे दो, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो छोटी वैल्यू, और फिर जब ये हो जाएगा काम, फिर मैं बड़ी वैल्यू को उठा के उसे अगले वाले जो जैसन नीचे वाला बिलो वाला है वहां पे मैं अरे के इंडेक्स नंबर पे उसे स्टोर कर दूँ। ये सिर्फ स्वैपिंग के लिए यूज हो रहा है, टैंप सिर्फ स्वैपिंग के लिए यूज हो रहा है। ये बड़ी वैल्यू है उठा के टैंप पे रखी, छोटी वैल्यू उठा के ऊपर रखी, और टैंप वैल्यू उठा के फिर नीचे आपने प्लेस कर दी जो छोटी वैल्यू, सॉरी बड़ी वैल्यू, टैंप से वापस भी तो दे रहा है ये देखो, बात ये है ये 37 है, ये 37 चली जाएगी टैंप में, 4 जो कि इंडेक्स प्लस 1 है वो इंडेक्स पे रिप्लेस होगी। ये देखो ये क्या कर रहा है, इंडेक्स प्लस 1 वाली कहां भेज रहा है, असाइन कर रहा है ऊपर, और फिर इंडेक्स प्लस 1 खाली हो गया ना ये वाला, वहां पे किसको ले जाए? टैंप को। इतनी सी बात है। और एक और कहा उसने कि स्वैपिंग हो गई, जब हो गई तो हो गई, अभी इतना नहीं होगा, अभी अगला भी काम है। लास्ट में माइनस 1 कर दे, वो किस तरह? लास्ट की वैल्यू आपकी थी 10, अब ये आपकी ऑलरेडी 9 तो है। अब अच्छा, ये असल में इसने 10 एलिमेंट लिए, मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ ये 5 है, हमने जो कि 5 लिए मैं 5 कर देता हूँ, तो हर दफा होगा क्या? अच्छा मुझे कोई बता सकता है जब ये पूरा एक एक्शन कंप्लीट होगा, एक चीज फाइनल हो चुकी होगी, क्या? बड़ी वैल्यू। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे नीचे जा चुकी है, तो फिर बाकी जो रह गई ये 4 वैल्यू, इसलिए लास्ट वैल्यू में माइनस कर देते, क्योंकि उसको अब वो आपकी सॉर्टिंग में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, उसकी से सॉर्टिंग हो गई, वो अपनी जगह पे असल मुकाम पे पहुंच गया। 41 जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे एंड में चली गई। अब सॉर्टिंग किसमें रिक्वायर्ड है? 5 में से 5वीं वैल्यू फिक्स हो गई ऊपर वाली 4 वैल्यू, और जब उसके ऊपर दोबारा से रिपीट वाला एक्शन होगा इंडेक्स वैल्यू प्लस, तो आपकी इन 4 में से जो सबसे बड़ी होगी ना वो वहां पे जाएगी। लास्ट में फिर एक माइनस कर दो, और फिर कितनी रहेगी? 3। 3 में से जो बड़ी वैल्यू है वो अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस होने के बाद वो भी सिर्फ 2 रह जाएंगी ऊपर वाली, अगर उनमें भी स्वैपिंग रिक्वायर्ड है हो जाएगी, और इस तरह आपकी पूरी की पूरी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। किस किस को समझ आ गई? पक्की बात है, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, टेम्प जो है इसे क्यों यूज किया था हमने? वेरिएबल टेम्प का ये यूज किया है,
सही तरह समझाना, अगर मैं हारून को कहूंगा ये बड़ा परफेक्टली समझाएगा मुझे। टैम का यूज क्या है कि बड़ी वाली वैल्यू को स्टोर कर दे जब कंपेयर करेगा नीचे वाली वैल्यू के साथ, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है तो इसको वक्ती तौर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि मैंने नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके आना, ये डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता। डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता, अगर इसको मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ओवरराइट, ये तो ओवरराइट हो जाएगा पिछली वैल्यू डिस्ट्रॉय, डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या, हल कर सोल्यूशन क्या निकाला, कह रहा इस वैल्यू को उठाओ टैम पे ले जाओ, ये वैल्यू इंडेक्स प्लस वन वाली इंडेक्स में ले आओ, फिर टैम को उठा के इंडेक्स प्लस वन पे स्टोर करवा, ये स्वैपिंग होती है। क्या स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा एक स्टूडो लिखा हुआ है, ये स्टूडो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मिस्टर मार ये स्टूडो को देखो, मुझे कोई बता सकता है इस स्टूडो का मकसद क्या है, एक्सप्लेन करो हाउ यू वुड टेस्ट योर एल्गोरिथम। सर वो जो लिमिट थी याद है, वो टिकट जब हमने परचेज की थी लिमिट लगाई थी 25 से ज्यादा या जीरो से कम, 10% डिस्काउंट कब मिलना है, जब 10 टिकट लोगे 20% डिस्काउंट कब मिलना है, दस से ऊपर वही इधर तेरी भी हल्की मुझे आ रही है, ये ना हो तो पकड़ के निकालनी पड़े भाई। डिस्काउंट कब मिलना है अमार, ओ शामिल मार कौन था, शामिल अच्छा मेरी बात सुन, 10% डिस्काउंट कब मिलना है, कम से कम 10 टिकट लोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। अली कहता है 20% डिस्काउंट कब देना है, कम से कम 20 और एक्सट्रीम कितना ले सकते हैं टिकट, 25, तो कितना परसेंट डिस्काउंट, 20, और अगर नॉन टिकट लेते हैं तो जीरो डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो क्या ये इधर क्या ये सूडो कोड कर रहा है ऐसा काम, रिपीट, अब मुझे बता सकते हो ये क्या कह रहा है, मैसेज दे रहा है हाउ मेनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय, नंबर ऑफ टिकट दे रहे हो 26, नंबर ऑफ टिकट मैंने क्या एंटर कर दिया 26। ये रिपीट अंटिल का प्रोसेस इसलिए किया गया है कि वैल्यू को वो इसके दरमियान में पकड़ सके, बस ये ऐसा इस चेक को क्या बोलते हैं मिस्टर हारून, रेंज चेक, जो आपकी वैलिडेट कर रहा है वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टिकट मस्ट बी बिटवीन 0 and 26, एक्सक्लूसिव, 0 इज नॉट वैलिड, 26 इज नॉट वैलिड, बिटवीन होना चाहिए, मतलब 1 हो एंड 25 मैक्सिमम एक्सट्रीम बाउंड्री। अच्छा इसका मतलब है जब तक मैं वैल्यू नहीं दूंगा बिटवीन, ये रिपीट होता रहेगा। मिसाल के तौर पे मैंने 10 दे दिया, अब जरा बताइएगा अगर मैंने 10 दे दिया, इसने यहां पे चेक किया क्या 10 इज ग्रेटर देन 10, 0 यस, क्या 10 इज लेस देन 26 यस, देन वो चेक करेगा नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं जो दी गई हैं 10 वो कम है, चले आपको कंफ्यूजन से बचा रहा हूं 9 लिख देता हूं, क्या नंबर ऑफ टिकट लेस देन 10 है, तो तेरा ध्यान किधर होता है, वो इधर ऐसे ऐसे वो पता नहीं किधर किस खला में बैठा हुआ है, वो प्लेन रोड है ऐसे, वो ऐसे नहीं पढ़ा जाता,
सुहेब, जब तक तेरा ध्यान नहीं ना होगा कंसंट्रेट किया कर, वरना तो उड़ जाएगा। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, नहीं उड़ना तो ध्यान देना। और यकीन कर उस दिन आपको इतना अफसोस होगा ना, जब सारे पास हो रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हैं ये ऐसे मायूस होके कमरे में बंद किया होगा, उल्टे मुंह लेटा होगा, रो रहा होगा। होता है ऐसा ही होता है। फिर उस वक्त से क्यों नहीं डरते जब ऐसा हो? क्यों अपने आप को यार जुल्म कर रहे हो? यकीन करो मुझे, मुझे तरस आता है फिर कि यार तेरे पास टाइम भी था, तेरा ध्यान नहीं था। ध्यान अगर थोड़ा सा होता तो कम से कम पास वास कर लेता, ग्रेड नहीं चले ले यार कोई बात नहीं, पास तो कर लेते। थोड़ा तो जो दे यार, मैं आपके लिए इतना खप रहा हूँ, इतनी टेंशन ले रहा हूँ, मैं क्यों लेता हूँ? तो मुझे फिक्र लगी हुई आपकी, मुझे कोई अवार्ड तमगे नहीं लग जाने, इधर इधर पूल नहीं लगा देने किसी ने आके। सो मेरे लिए पूल यही है कि आप पास हो गए। अब आप ये भी नहीं करने को तैयार, मेरे लिए नहीं अपने लिए कर ले भाई, ठीक है? आपने नंबर ऑफ टिकट दिए 9, 9 इज लेस देन 10, डिस्काउंट मिला? नो। अगर ये होता 19, 19 होता, क्या ये लेस देन 10 है? एल्स में चले जाओ, क्या ये लेस देन 20 है? 19 इज लेस देन 20, देन और अगर ये होता 20, अगर ये 20 होता, अगर ये 20 होता फिर एल्स में चला जाता। देखो मेरी बात सुन, 20 अगर होता कि ये इफ को चेक करता, क्या 20 इज लेस देन 10? नो, एल्स में चला जाता। एल्स में क्या 20 इज लेस देन 20? नो, एल्स में चला जाता और इसको डिस्काउंट मिल जाता। इतनी सी बात। और इस तरह इस तरह इस तरह अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट आफ्टर माइनस डिस्काउंट नंबर ऑफ टिकट जितनी भी हैं, मिसाल के तौर पर 20 टिकट हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, टिकट की कॉस्ट कितनी है 20, एक टिकट की कॉस्ट कितनी है 20, इसमें से माइनस होगा डिस्काउंट एंड यू विल पे फाइनल कॉस्ट। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो ना, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट में ये वैल्यू पुट कर दो, इस जगह 1 माइनस क्या 1 माइनस डिस्काउंट, ये असल में इसने इसको जो है वो सिंपलीफाई किया हुआ है। असल में ये है नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट मल्टीप्लाई बाय क्या 20, एक टिकट की कीमत, लेकिन आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आगे डिस्काउंट में से माइनस करके, तो ये आपके असल में इस जगह पे शिफ्ट होगी वैल्यू क्या 0.2। फार्मूला है डिस्काउंट का, डिस्काउंट माइनस भी तो करना है ना, जो 0.2 है 1, यहाँ पे असल में 1 माइनस 0.2 होगा, जो वैल्यू होगी वो आगे मल्टीप्लाई होगी 20 के साथ, तो वो आपका डिस्काउंट ही असल में कैलकुलेट हो जाता है। तो ये आपको फाइनल कॉस्ट आपको पे करनी होगी। तो इंशाल्लाह ये आपने इसको देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम है। अच्छा मजे की बात, ये सैटरडे को इंशाल्लाह मैं आती ना सैटरडे को ये वाला आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, सैटरडे को इंशाल्लाह 1, 2, 3, 1 से 3।